पंजाब के मशहूर एक्टर दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मौत हो गई है। यह हादसा कुंडली मानेसर यानी KMP एक्सप्रेसवे के पास हुआ। दीप सिद्धू अपने साथियों के साथ दिल्ली से पंजाब लौट रहे थे। दीप केंद्र सरकार के कृषि सुधार कानूनों के विरोध में हुए किसान आंदोलन के दौरान चर्चा में आए थे। लाल किले में हुई हिंसा को लेकर भी उन्हें आरोपी बनाया गया था। इस केस में दीप सिद्धू की गिरफ्तारी भी हुई थी। वहीं पंजाब चुनाव में सिद्धू अमरगढ़ से शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के प्रधान सिमरनजीत सिंह मान का भी प्रचार कर रहे थे। पंजाब के मुक्तसर जिले में अप्रैल 1984 में जन्मे दीप सिद्धू ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। दीप ने लॉ की पढ़ाई की। वह किंग फिशर मॉडल हंट के विजेता रहे। मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट में मिस्टर पर्सनैलिटी का खिताब भी जीता। साल 2015 में उसकी पहली पंजाबी फिल्म रमता जोगी रिलीज हुई थी। हालांकि दीप 2018 में आई फिल्म जोरा दास नंबरिया से मशहूर हुए, जिसमें उनका किरदार गैंगस्टर का था। दीप सिद्धू को किसान संगठनों के प्रमुख नेताओं ने दिल्ली बॉर्डर पर बोलने का मौका नहीं दिया। दीप सिद्धू सोशल मीडिया के जरिए ही इन किसान नेताओं के फैसले पर सवाल उठाते रहे हैं। किसान आंदोलन के दौरान वे चर्चा में तब आए जब एक पुलिस अधिकारी से अंग्रेजी में बहस कर रहे थे। उनके इस वीडियो को बाद में फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया पर शेयर किया और लिखा, गरीब भूमिहीन किसान जिनके लिए लोग रो रहे हैं, जिसके बाद उनकी खूब चर्चा हुई। दीप सिद्धू को ओनली रियल स्टोरीज की तरफ से सत सत नमन। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।